हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष निगम। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। गाइज, जैसे कि आप लोग को पता है, बहुत ही कम व्यूज़ की वजह से मैंने अपना यूट्यूब का जो सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोग को बोला था कि मैं कम से कम कोशिश करूँगा 100 एपिसोड्स तक आप लोगों को कोई स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो उसकी सीरीज़ मैंने एक स्टार्ट कर दी थी, उसको स्किप किया था, लेकिन कई सारे मैसेजेस आ गए मुझे कि सर आप लोग स्टार्ट कर दो, कम से कम हम लोग तो लर्निंग करें। तो सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने फिर से और एक बार ये जो सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ था, उसको और एक बार मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है। तो ये है इसका एपिसोड नंबर 199 एपिसोड तक हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं है। चलिए शुरू करेंगे आज के वीडियो को, जो भी कल के दिन के लिए मेरे बेहतरीन स्टॉक्स होने वाले उनके साथ में। इससे पहले गाइज, मैं सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर, कि गाइज मैंने आप लोगों को फ्राइडे के दिन के लिए कुछ लेवल दे करके रखे थे। एक्सपायरी वाले दिन ही वीडियो मैंने पोस्ट किया था, एक दिन पहले ही मैं पोस्ट करता हूँ। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 16,550 का। आज भी देख लीजिए, एग्जैक्टली इसी लेवल पे निफ्टी ने अपना ओपनिंग दिया था, और टारगेट भी आप लोगों को सेम टारगेट दिया है, 1, 2, 3 और 4। जो मैंने आप लोगों को लेवल्स देता रहता हूँ, वही लेवल्स पे एग्जैक्टली फॉल, इसी लेवल्स पे बड़े से पिन बना करके हैमर कैंडल्स के साथ में या फिर डोजी कैंडल्स के साथ में इसने आप लोगों को रिवर्सल दे दिया। लेकिन एक परफेक्ट ट्रेड आप लोगों को मिला था सेम लेवल्स के ऊपर, इसीलिए मैं अपने लेवल्स को जो है वो हमेशा मैजिकल लेवल्स कहता रहता हूँ। सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा, सारी चीज़ों की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, तब तक आप लोग सीख नहीं पाओगे। तो बात करेंगे हम लोग गाइस टाटा स्टील की। टाटा स्टील जो है गाइस, टाटा स्टील अगर आप लोग देखोगे तो टाटा स्टील में, स्टील सेक्टर में अच्छा खासा फॉल जो है वो कल परसों और आज के दिन में भी हम लोग को देखने को मिला है। तो कोई भी स्टॉक गाइस फॉल कर रहा है तो सीधा ऐसे फॉल नहीं करता, वो हमेशा ऐसे फॉल करेगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर नीचे फॉल करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ऐसे करते करते जाता है। तो इस बेसिस पे हम लोग हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, तो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग हमारा जो है जिसको हम लोग प्लान कर सकते। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको 15 मिनट चार्ट्स पे आप लोगों को दिखाऊंगा, ऊपर से एक सीधा सीधा ट्रेंड लाइन आ रहा है। इसमें गाइज हमारा जो बाइंग होने वाला है वो है 1,364 के ऊपर, 53 के स्टॉप लॉस के साथ में, 68, 74 और 79 ये अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। डेफिनेटली इस पर आप लोग स्टॉक ऑप्शन की CEPE भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी हम लोगों ने अगस्त सीरीज पे ट्रेड करना बंद कर दिया, सितंबर की सीरीज पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग भी सेम सीरीज पे ट्रेड कर सकते हो। बाई साइड में इसमें एंट्री नहीं आती, तो 1,353 के नीचे हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। 50, 46 और 43 डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे, 64 रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को एक शार्प फॉल मिला था, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ऊपर से आया, ऊपर के साइड में से एक रिजेक्शन आ गया। अगर इसको ऊपर भी जाना है तो भी इसको नीचे आना पड़ेगा, एटलीस्ट जो हमारे लेवल से इसको देख करके फिर ये डबल बॉटम वाला फॉर्मेशन बना करके ऊपर चला जाएगा, और अगर सीधा इसी लेवल को रेस्पेक्ट करके ऊपर चला गया तो भी हम लोग इसे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। यानी कि डबल बॉटम बनाने के लिए अगर ये नीचे आ गया तो सेल साइड में एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर इसी लेवल से ये ऊपर चला गया तो भी डबल टॉप का फॉर्मेशन जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन के साथ में ये अपसाइड में एक्टिव हो जाएगा, और जो कि इसका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन रहेगा, आइदर साइड किसी भी साइड में ये एक्टिवेट हो जाए। कुछ सेम सा सिनेरियो है गाइस सेकेंड वाले स्टॉक में भी हमारे, जो कि है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि इसमें अच्छा मोमेंटम जो है वो आप लोगों को देखने मिलता है। जिस किसी भी ट्रेंड में ये भागना शुरू कर देता है उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है, मतलब एक कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड ऐसा नहीं करता है। अगेन मैं इसको भी व्यू कर रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। आप लोग इसे 5 मिनट्स के चार्ट पे कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करना है, और स्टॉप लॉस भी आप लोगों को 5 मिनट्स के कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। तो गाइस SRT फाइनेंस में देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम आप लोगों को इसी लेवल का रिजेक्शन मिला है, उसके बाद में ये फर्स्ट बॉटम है, एटलीस्ट इसको सेकंड बॉटम क्रिएशन के लिए या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आएगा, इस दोनों लेवल पे आकर के फिर ये ऐसा फॉर्मेशन बना करके ऊपर साइड में चला जाएगा। अगर ये यहां से भी रिट्रेस हो गया तो भी इस दोनों के बीच में आधा से एक टका का डिफरेंस है, जो कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली डबल बॉटम के लिए। तो यहाँ से भी ये चला जा सकता है। इसके लेवल्स को हम लोग देखेंगे, 1,251 के ऊपर हम लोग इसे बाई कर सकते हैं, 1,240 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऑब्वियसली एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों चीज़ें 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होगी। 56, 61 और 66 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इनकेस बाइंग नहीं आती है तो भी, जैसे कि कहा आप लोगों की डबल बॉटम बनाने के लिए इसको नीचे तो आना है, क्योंकि मार्केट जब भी मूवमेंट करता है कोई ना कोई पैटर्न बना करके मूवमेंट करता है। वो अगर ऐसे जा रहा है तो सीधा शार्प नहीं जाएगा या फिर शार्प ने ऊपर नहीं जाएगा, इसको कोई ना कोई पैटर्न बनाना है, वो बनाना ही पड़ता है, तभी जा करके ये ऊपर करना पड़ता है। चाहे हम लोग ट्रेडिंग के रूल्स को फॉलो करें ना करें, लेकिन मार्केट बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करता है। तो सारी चीज़ों को आप लोग को समझना पड़ेगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा।
तो देख लीजिए यहाँ पे ये लेवल रहेगा सेलिंग साइड के लिए स्टॉप लॉस का, और 1240 के नीचे हम लोग इसे सेल कर सकते हैं। 35, 28 और 22 डाउन साइड के हमारे लेवल्स रहेंगे। थर्ड कॉल रहेगी गाइस वोल्टास की। वोल्टास में भी देख लीजिए गाइस, अगेन सेम फॉर्मेशन है 15 मिनट्स पे, जो कि आप लोगों को बहुत कम बार देखने को मिलता है इस टाइप का फॉर्मेशन। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गया है गाइस, मतलब अगेन इस लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके लिए। अगर डेफिनेटली इसको ब्रेक कर जाता है तो हमारा 955 का लेवल इसको देना ही देना है। इस लेवल से हो सकता है ये रिवर्स हो जाए, हो सकता है नीचे के साइड में चला जाए, ब्रेकआउट दे दे इसमें सेलर्स का अगर एंट्री हो गया तो। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बढ़ गया है, तो सेल साइड में इसको अगर ऊपर भी जाना है तो नीचे तो आना ही पड़ेगा। 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पर रख लीजिए। 965 के नीचे सेल कर सकते हैं 975 के स्टॉप लॉस के साथ में। 962, 959 और 955 आप लोगों के लिए डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले इसके लिए। और अगर इसमें सेलिंग नहीं आती है तो 976 के ऊपर हम लोग इसे बाई कर सकते हैं 965 के स्टॉप लॉस के साथ में। 78, 81 और 84 इसके अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। अगर ये अपसाइड में भी जा रहा है तो इस ब्लू लाइन पे एक बार ध्यान रख लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली इसी लाइन को ये एक ना एक बार कम से कम रेजिस्टेंस जो है अपना वो फेस करने वाला है। तो गाइज ये थे मेरे बेहतरीन 3 कॉल्स, इसके पीछे के जो भी लॉजिक्स है ये भी मैंने आप लोगों को बोल के रखे हुए यहाँ पे साथ में। अभी हम लोग निफ्टी के बारे में भी सोचेंगे। अगर गाइज आप लोग ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट रखते हैं और मेरे प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय करना चाहते हैं, जिसकी एक्यूरेसी क्या है आप लोग मेरी यूट्यूब वीडियोज़ को देख करके लगा सकते हैं, तो सारी प्रीमियम सर्विसेज को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को बस एलआईएस ब्लू अकाउंट ओपन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज से फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हैं, जो कि एकदम स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए बनाई गई है। मैं खुद एक ऑप्शन बायर हूँ, जिसका वीडियो मैंने आज दोपहर में ही अपडेट कर दिया था। कुछ 11 बजे के आसपास 1-1.5 घंटे का ट्रेडिंग का वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था कि इसमें अगर ऑप्शन बाइंग में अगर आप लोगों को पैसा कमाना है तो मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सेम चीज़ हम मैं कहूँगा गाइज निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी को आप लोग 16,530 के ऊपर बाई कर सकते हैं। 561, 596 और 630 आप लोगों के अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इसके बाद और एक लेवल रहेगा इसमें, जो कि रहेगा 16,679 का। ये गाइज फ्यूचर का चार्ट है, स्पॉट के चार्ट पे ये सारे लेवल जो है वो अलग होने वाले हैं, तो इस पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप इन्हें फ्यूचर के चार्ट पे यूज़ कर ले। डेफिनेटली अगर आपका कैपिटल अच्छा है तो आप लोग सीधा फ्यूचर के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हो, या फिर अगर कैपिटल कम है तो फिर आप लोग ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर में ट्रेड करना थोड़ा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें टाइम डिके नहीं होता है और आप लोगों को जब भी मार्केट ट्रेंड में आ जाए तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो जाता है। और जब भी आप लोग ऑप्शंस बाइंग करते हो तो फिर टाइम डिके की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। 16,470 के नीचे निफ्टी वीक हो जाएगी। 443, 413, 384 और 341 आप लोगों के लिए डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। अगर गाइज आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे यहाँ पे जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ मैं पोस्ट कर रहा हूँ इन सारे अपडेट जो है आप लोगों को मिल सके। साथ में गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट बना रहे, तो लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस वीडियो के स्टॉक्स रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बैंक निफ्टी का ये फ्यूचर का चार्ट है। 35,230 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगी। 322, 429, 511, 667 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इन केस बाइंग नहीं आती है तो 35,000 के नीचे फ्यूचर के चार्ट पे बैंक निफ्टी बेयरिश हो जाएगी। 34,908, 813, 721 और 583 डाउनसाइड के लेवल्स आएंगे। तो गाइस ये थे मेरे बेहतरीन 3 कॉल, साथ ही मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स भी देके रखे हुए हैं। इनके साथ में गाइस कल के दिन के लिए सेफली ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच।